तो गाइस आज मैं आप लोगों को महिंद्रा थार दिखाने वाला हूँ। बेसिकली अगर आप लोग थार को जानते होगे तो भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे इस गाड़ी को। तो यहाँ पर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो इसके अंदर कुछ काम हो रहा है जो कि मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर जो है भाई पूरी तरीके से जो इसकी ग्रिल है ना उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है भाई जो मोस्टली लोग आज के टाइम में ज़्यादातर करवाते हैं जो कि है एक LED सेटअप जो कि पूरा प्रॉपर यहाँ पर चेंज हो रखा है। एज बोथ साइड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इधर की साइड में भी पूरा चेंज है और इधर की साइड में भी पूरा का पूरा चेंज है। यहाँ अगर हम नीचे की साइड में आएंगे तो भाई आप लोगों को पूरा का पूरा इसका बम्पर खुला हुआ देखने को मिल रहा होगा। कुछ और मॉडिफिकेशन हो रही है जैसे लाइक फॉग लैम्प जो है ना उसके अंदर अटैच किए जाएंगे क्योंकि उसी के अंदर आते हैं, तो वो एक बार कंप्लीट हो जाए तो वो चीज़ मैं आप लोगों को चेकआउट करा दूंगा। बाकी थोड़ा बहुत जो काम है भाई वो अंदर की साइड में हुआ वो चीज़ मैं आप लोगों को चेकआउट करा दूंगा। बाहर से अभी फिलहाल कोई काम नहीं हुआ, जो भी सीट्स कवर है भाई उसको बन जाए उसके बाद मैं आप लोगों को चेकआउट करा दूंगा। तो भाई आप लोगों को थार की जो सीट्स कवर लग रही है वो मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ। कुछ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो थार की बैजिंग जो कि एक मतलब ब्रांड है भाई, मतलब थार एक अलग ही नाम है, वो कार में नहीं गिनी जाती, अलग ही चीज़ में गिनी जाती है। थार के आगे सब बेकार है। तो भाई यहाँ पर अभी देखो पूरा का पूरा इसको खोल रहे हैं बढ़िया तरीके से भाई। काफी लोग कहते हैं फाड़ रहे हैं उसको, हमारी सीटों को फाड़ दिया, तो ये फाड़ रहे हो क्या सीट को? फाड़ के बनाएंगे तो ये फाड़ना नहीं कहते भाई। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे जो की पूरी की पूरी जो अंदर से धागे से मतलब स्टिचिंग हुई रहती है ना ताकि प्रॉपर बैठी रहे, उस चीज को सिर्फ और सिर्फ ये मतलब उधाड़ते हैं या फिर आप कह सकते हो कि उस चीज को काटने के बाद प्रॉपर फिटिंग डालने के लिए ना, मतलब जो आप लोगों की जिसे हम लोग कहते हैं जो बकेट वाली सीट्स होती है भाई उसके लिए ना प्रॉपर इसके अंदर एक पाइप रहेगी, वो भी मैं आप लोगों को चेकआउट कराऊंगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी ये वाली पाइप निकल जाएगी, उसके अंदर जो आपकी सीट्स कवर है वो लग जाएगा, उसके बाद ना काफी बढ़िया तरीके से जो फिनिशिंग है भाई वो आ जाएगी। तो भाई को पहले काम करने देते हैं और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है ना वो चीज़ भी मैं आप लोगों को चेकआउट करा दूंगा। तो भाई कुछ चेकआउट कर लो, इस टाइप का आप लोगों को थ्रो देखने को मिलता है, मतलब काफी ज्यादा जबरदस्त है भाई। पूरा चेकआउट करोगे सामने लग रहा है ना पूरा का पूरा उजाला कर रखा है, तो भाई ये चीज आप लोगों को चेकआउट करने को मिल जाएगी। ऐसे जैसे मैंने बोला ये आप लोगों का, ये आपका हाई बीम है, ये आप लोगों का शायद लो बीम है, तो ये चीज चेकआउट कर लेना। तो भाई ये चीज चेकआउट कर लो, कुछ इस टाइप का आप लोगों को थ्रो देखने को मिल रहा, मतलब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है यार कैडी। और अगर नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रोजेक्टर टाइप के आप लोगों को फॉग लैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि अगेन काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं देखने में। नेक्स्ट चीज के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो भाई ग्रिल कुछ चेकआउट कर सकते हो इस टाइप के आपको ग्रिल। पियानो फिनिश मैंने इससे पहले भी वीडियो में दिखा दिया होगा, उस टाइम ज्यादा पता लग रहा होगा, अभी थोड़ी क्वालिटी ना मतलब थोड़ी डिमिश टाइप की आ रही है, तो वो चीज़ चेकआउट कर लेना। बाकी गाड़ी के अंदर चल के मैं आप लोगों को बाकी चीज़ दिखा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है, वो चीज़ मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो गाइज ये कुछ चेकआउट कर लो, जो थार का डोर है ना उसके अंदर हम लोगों ने पूरी की पूरी एम्बिएंट लाइटिंग लगाई है और रात के टाइम में कितनी ज़्यादा हाईलाइटेड, मैंने इसीलिए फ्लैश ऑफ कर रखी है ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग पाए कि मतलब ये पूरी की पूरी लगी है। और अगर आप लोग उधर वाले डोर पर देखोगे ना तो आपको उधर भी मिलेगी, अंदर भी चल के मैं वो चेकआउट करा दूंगा प्रॉपर। तो ये कुछ मतलब ज़बरदस्त है यार, मतलब आपने जो आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे उससे आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हो जो भी आपको कलर चाहिए, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार गाड़ी के अंदर। बाकी सीट कवर भी लग गए हैं वो भी मैं आप लोगों एक बार चेकआउट करा देता हूँ, और जो छोटी मोटी और मॉडिफिकेशन हुई हैं वो चीज़ मैं आप लोगों एक बार चेकआउट करा देता हूँ, मे भी शायद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है। तो भाई एक बार पीछे की साइड भी चेकआउट कर लो, कुछ इस टाइप की आपको थार की लुक मिल जाती है। ये आप लोगों को LED लाइट्स देखने को मिलती है और यहाँ पर आप लोगों को थार की बैजिंग देखने को मिलती है। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोगों ये नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं खाली जब लाइट पड़ती है, चेकआउट कर लो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। अगर आप लोगों को इसके अंदर मैट्रिक्स वाली लगवानी है तो भाई वो चीज़ अपन लोग के पास अवेलेबल है, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गाड़ी के अंदर लग जाएगी। बाकी यार अगर आप लोगों मतलब दिमाग में है कि अगर थार को लेकर के और भी कोई टॉप नॉच मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें अपन लोग के पास अवेलेबल हो जाएंगी। एक बार मैं आप लोगों को सीट कवर्स भी चेकआउट करा देता हूँ कि इसके अंदर सीट कवर कैसे लगे हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों के बार अंदर से चेकआउट करा देता हूँ।